हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर। तो यार, आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आपने जस्ट अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके और जिन टिप्स को अप्लाई करके आप अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और उससे आपकी फ्रंट एंड जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच कम्प्लीट वीडियो एंड जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टिप इन आवर लिस्ट इज लर्न द बेसिक्स। ये फर्स्ट टिप इसलिए है बिकॉज आजकल जो भी लाइक फ्रंट एंड सीखता है तो जो एक बिगनर होता है जब वो फ्रंट एंड सीखता है तो वो HTML, CSS, JavaScript पे फोकस ना करके जो उनके फ्रेमवर्क हैं उनको पहले सीखता है। लाइक जैसे अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें तो आजकल ऐसा माइंडसेट है जो बिगनर्स हैं उनका कि हमको HTML और CSS सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ही बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं जिससे हम ऑटोमेटिक ही स्टाइलिंग कर पाएंगे तो हमें CSS और HTML सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है बिकॉज आप बूटस्ट्रैप को भी तभी यूज़ कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप को और ज़्यादा कस्टमाइज तभी कर पाओगे तब आपको बेसिक्स आते होंगे, तब आपको HTML, CSS एंड JavaScript अच्छे से आती होगी, तभी आप बूटस्ट्रैप और जो अदर फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि React.js है, Angular.js है, Vue.js है, वो आप तभी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो आपने अगर अपनी फ्रंट एंड जर्नी को जस्ट अभी स्टार्ट किया है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है अपने बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से करना। सो दिस इज द फर्स्ट टिप। द सेकेंड टिप इज रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। सो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है बिकॉज एक बिगनर फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है, जो एक फ्रेशर होता है, वो HTML, CSS सीख तो लेता है, वो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सीख तो लेता है, वो वेबसाइट्स बिल्ड करना भी सीख जाता है, लेकिन वो उन्हें रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाता, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बिकॉज आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आना ही चाहिए, एक कंपल्सरी कंडीशन हो जाती है कंपनीज के अंदर। बिकॉज मोस्टली आज हम देखते हैं कि जो भी वेबसाइट्स वगैरह यूज़ होती हैं वो फोन्स के अंदर ही मोस्टली ओपन की जाती हैं, इसलिए हमको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आना ही चाहिए। तो वो आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ करके हम एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, और आपको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना आना ही चाहिए, एक कंपलसरी कंडीशन आप मान सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं हमारी थर्ड टिप की। तो जो थर्ड टिप है वो है फ्रेमवर्क्स। जी हाँ, अब यहाँ पे फ्रेमवर्क एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अगर आपको सिर्फ HTML, CSS और JavaScript ही आती है तो उससे आप एक वेबसाइट बना तो पाओगे, लेकिन अगर आपको उसे और ज़्यादा अच्छा बनाना है आप और आपको अपने टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है तो आपको फ्रेमवर्क अच्छे से आने चाहिए। बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर या फिर कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर जितना ज़्यादा आप अप टू डेट रहोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेटर होगा, अदरवाइज आपको कोई और रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए आपको फ्रेमवर्क सीखना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि CSS के लिए आप बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड CSS सीख सकते हो, उससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और अगर आपको बेसिक्स आते होंगे ना तो आप उन फ्रेमवर्क को भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे और काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स बिल्ड कर पाओगे, तो आपको फ्रेमवर्क भी अच्छे से आने चाहिए।
तो अभी हम अपनी फोर्थ टिप की बात करते हैं। तो जो फोर्थ टिप है वो है डेवलपर टूल्स ब्राउजर के अंदर। अब जब हम कोई भी वेबसाइट अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर रन करते हैं तो वहाँ पे डेवलपर टूल्स होते हैं। उन डेवलपर टूल्स के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए और उन्हें यूज़ करना भी आना चाहिए, बिकॉज इसकी हेल्प से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अब डेवलपर टूल्स की जैसे अगर मैं बात करूं, आप जैसे कि वहाँ पे CSS को लाइव कस्टमाइजेशन करके देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट, आपका जो ब्राउजर है वो उसे कैसे रेंडर कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अप्लाई कर रहा है। और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड करने के लिए डेवलपर टूल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और साथ में आप जावा स्क्रिप्ट को भी लाइव अप्लाई करके देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टूल्स। सो HTML, CSS, JavaScript और इनके फ्रेमवर्क हैं, इनके साथ साथ आपको डेवलपर टूल्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी हम अपनी लास्ट टिप की बात करते हैं, एंड जो लास्ट टिप है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, अब आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, JavaScript भी सीख लिया, आपने इनके फ्रेमवर्क भी सीख लिए और आपने रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना भी सीख लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बिल्ड करके नहीं देखोगे, तब तक आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते, बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपर इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके स्किल्स उतने ज़्यादा बेटर होते जाएंगे, आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव होते जाओगे। और फ्रंट एंड के अंदर आप जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव होगे, आप उतनी ही अच्छी उतनी ही कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स बना पाओगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। सो ये थी हमारी 5 टिप्स। आप अगर इन 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हो अपनी फ्रंट एंड जर्नी में, तो आप आगे चलकर एक बहुत अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो और आप एक अच्छे पैकेज पे एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब भी कर सकते हो। सो मस्ट अप्लाई दीज 5 टिप्स इन योर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जर्नी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।